करते हैं और अब बात करते हैं अनुष्का सेन से, जो अपना टाइम भी आएगा में रानी का किरदार निभा रही है। अक्सर देखा जाता है कि एक लड़की के मम्मी पापा उसे ख्वाब देखने से तो इनकार नहीं करते, पर वक्त आने पर ये भी सुना देते हैं, ख्वाब देखो पर उन्हें पूरा करने की जिद ना करो। पर यहां माजरा काफी अलग लग रहा है। जी बिल्कुल अलग है। मेरा बस एक ही सवाल है आप सबसे, क्या साधारण घरों में बड़ी बड़ी लड़कियां औकात के दायरे को ना कर सपनों की उड़ान नहीं ले सकती? मेरे किरदार रानी के बाबा हैं तो जयपुर के रजावत घराने के कई साल से वफादार हेड सर्वेंट, पर उन्होंने कभी भी इस बात को औकात की जंजीरों में नहीं बांधा। रानी जिस बैकग्राउंड से है, शायद वो समाज उसे अपने सपने पूरे करने की इजाजत नहीं देती, पर उसके बाबा ने केवल उसका नाम ही रानी नहीं रखा बल्कि उसकी परवरिश एक रानी से कम नहीं की। हमेशा भरोसा किया उस पर और हमेशा उसकी हिम्मत बनाई रखी, जिसकी वजह से रानी एक इंजीनियर बन गई। लेकिन जब कुछ हालात उसे रजावतों के महल ले आती है अपनी बाबा की बदली बनकर, तब उसे अपनी औकात का एहसास पहली बार दिला जाता है। क्या रानी अपने आत्मविश्वास को बनाए रख अपने सपनों के मंजिल की ओर बढ़ती रहेगी? क्या रजावत घराने में एक बराबरी की जगह बना पाएगी? जानने के लिए देखिए हमारा शो, अपना टाइम भी आएगा। रानी, मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपनी इस कोशिश में जरूर कामयाब हो और अपने बाबा का नाम खूब रोशन करें। अनुष्का जी, आपकी तरफ हमारे पास आपके लिए जो सवाल है वो मनीषा से है, IWM बस से। तो वो आपसे पूछना चाहती है कि आपने अपना करियर ना ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट ZTV के साथ शुरू किया था, अब आप वापस ZTV के साथ एक और रोल के लिए आ रही है, तो आपको ये कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 9 साल पहले मेरा फर्स्ट शो यहाँ मैं घर घर खेली था, वो भी ZTV पे, एंड तब मैं 9 साल की थी। अब मैं 18 साल की हूँ, बट तब मैंने मिश्री का किरदार निभाया था, एक बार खान की बेटी में बनी थी उसमें, और मैंने ब्लाइंड का रोल किया था, मेरा फर्स्ट शो था वो। और अब 9 साल बाद मैं एक बिल्कुल ही ऑपोजिट, बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट, इनफैक्ट अब तक मैंने जितने भी शोज किए हैं बिल्कुल अलग हटके एकदम ये शो है, और मैं वापस आ रही हूँ जी पे विद अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और वापस अपना टाइम भी आएगा लेकर मैं आ रही हूँ। मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रही है क्योंकि ये कैरेक्टर एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है। जैसे मैंने ब्लाइंड का किरदार निभाया था उस उम्र में, मेरे लिए चैलेंजिंग था, मैंने बहुत कुछ सीखा, और क्योंकि मेरा फर्स्ट शो था तो मेरे लिए एकदम क्या बोलती हूँ बिगिनर था मेरे लिए उस टाइम, और अब 9 साल हो चुके हैं, बट फिर भी ये जो कैरेक्टर है रानी का ये इतना अलग है, मतलब एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जब भी एक एक्टर के लिए कोई चैलेंजिंग रोल होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप सीखते हो, आप उस पे काम करते हो, आप उसे एक्सप्लोर करते हो, नई नई चीजें करते हो ताकि आपके कैरेक्टर पे वो दिखे एंड ऑडियंसेस को पसंद आए। इसलिए रानी का जो किरदार है अनुष्का, जैसे मुंबई सिटी की लड़की है, 14 साल से मैं मुंबई में हूँ, और ये है एकदम गाँव की रानी, एकदम बिंदास एंड बलिया से है, तो बहुत ही अलग है मेरी पर्सनल लाइफ से और मैंने जितने भी रोल किए हैं। तो ZTV में वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड आई जस्ट होप दैट एवरीबॉडी लाइक्स आवर न्यू शो। अनुष्का, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जो ये रोल है वो काफी औरतों के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप इनसे खुद इंस्पायर्ड है क्या? जी बिल्कुल, जो रानी का कैरेक्टर है बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि अलग है, बट हमारा जो शो है अपना टाइम भी आएगा वो क्लास डिफरेंस जो हमारी सोसाइटी में है उसके ऊपर है, और रानी जो एक इतनी मतलब गांव में रहने के बावजूद उसकी जो थिंकिंग है पूरे गांव से बहुत ही अलग है, बहुत ही आगे है, प्रोग्रेसिव, एंड उसकी जो फादर है, फादर के साथ उसका रिलेशन आप प्रोमो में भी देख सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि रानी सपने देखती है और उसके जो पापा है वो उसे सपने देखने नहीं देते, इनफैक्ट वो मोटिवेट करते हैं रानी को कि नहीं तुम, इनफैक्ट उसका जो पूरा बचपन है उसे बिल्कुल रानी नाम ही नहीं रखा है, रानी की तरह उसे पाला पोसा भी गया है, और गांव में रहने के बावजूद उसके एकदम रानी की तरह उसके पापा ने उसे पाला है, तो जो उसके बाऊजी हैं और उसका रिलेशन है बहुत ही अलग है। और जो ये शो है, जैसे आपने कहा कि लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा कि उसे वो क्लास डिफरेंस नहीं समझ में आता, अमीरी गरीबी वो एकदम इक्वल मानती है सबको, शी इज लाइक ह्यूमन बींग्स आर ऑल इक्वल, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है
क्योंकि मुझे लगता है ये इतना अच्छा कॉज है फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये हमारे सोसाइटी को पता होना चाहिए. फॉर्चुनेटली वी आर इन 2020 और अभी देश आगे बढ़ रहा है, उनकी थिंकिंग बदल रही है. बट जितने लोग हैं जो शायद उनकी अभी भी थिंकिंग है कि सिर्फ अमीर लोग या जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनके पास राइट्स हैं, ऐसा समहाउ वो सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज दे आर रिच उनके पास ही राइट्स है सपने पूरे करने की या सपने देखने की. तो जो औकात की जो बात है, इसलिए हमारा हैशटैग है औकात की बाहर, क्योंकि रानी को जब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, वो बोलती है औकात क्या होता है. तो उसके लिए औकात छोटा बड़ी, यू नो, अमीरी गरीबी, ये सब कुछ नहीं है. तो मुझे बहुत इंस्पायर्ड फील होता है इस कैरेक्टर से, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत, जितनी आप देखेंगे कि मस्ती करती है, खिलखिलाती है, हंसती है, बहुत बिंदास है, बट उतनी वो स्मार्ट और सेंसिबल है. और वो अपने अपने आप को जितना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि वो समझती है कि सब लोग इक्वल है, सब इंसान है, सब इक्वल है. और इससे मुझे बहुत इंस्पायर फील होता है. ओके, ठीक है, हम इसी चीज पे हम ये सेशन को भी, ये क्विक क्यू एन ए राउंड को हम खत्म करते हैं. थैंक यू.